स्वागत है आपका, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। मुकाबला में आज बात करेंगे बंगाल से आ रही हिंसक तस्वीरों पर। बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहा है, चुनाव कम हुआ और तनाव ज्यादा हुआ। तस्वीरें यूपी बिहार के 90 के दशक की याद दिलाती हैं। पहले आप पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान की तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर नॉर्थ 24 परगना जिले के एक बूथ की तस्वीर है। हाथ में पिस्टल लेकर एक युवक फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ना कोई डर, ना कानून का खौफ, खुलेआम पिस्टल लेकर लोगों को डराया गया और फायरिंग की गई। चुनाव के दौरान फायरिंग के कई मामले सामने आए हैं। अब फायरिंग के बाद एक दूसरी तस्वीर भी मैं आपके सामने रखती हूँ, जो कि बमबाजी की तस्वीर है। हुगली से बमबाजी की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। पोलिंग बूथ के पास जमकर बम चले हैं। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई पड़ी। खुलेआम हिंसा हो रही है। वोटिंग के दौरान बम फेंके जा रहे हैं, गोलाबारी की जा रही है। फायरिंग और बमबाजी के बाद आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाती हूँ, जहाँ उपद्रवियों की मनमानी नहीं रुक रही है। मालदा में पोलिंग बूथ से मतपेटी ही लेकर भाग गए। देखिए कैसे बदमाश मतपेटी लेकर भाग रहा है, लेकिन उसे ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। अब आप समझिए, जो मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, ऐसे हिंसक हालातों में भी अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन कैसे हो रहा है, कैसे ये मतपेटी लेकर जो शख्स है वो भाग रहा है। मालदा में मतपेटी लेकर भागे तो हुगली में बैलेट बॉक्स पानी में फेंक दिया गया। हुगली के आराम बाग में कुछ लोगों ने बैलेट बॉक्स लूटा और इसे तालाब में फेंक दिया गया। ये तस्वीरें बार बार बता रही हैं कि बंगाल में चुनाव के दौरान जो कुछ हो रहा है उसे लोकतंत्र का हिस्सा नहीं कहा जा सकता। बंगाल में जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदारी मौजूदा सरकार को लेनी होगी। चुनाव के दौरान हिंसा और उपद्रव की एक और तस्वीर कूच बिहार से सामने आई, जहां बैलेट बॉक्स में आग लगा दी गई, पोलिंग बूथ पर हमला हुआ, बैलेट बॉक्स लूटा गया। हिंसा की तस्वीरों को लेकर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि ममता बनर्जी सरकार के संरक्षण में हिंसा हो रही है, पुलिस के सामने टीएमसी कार्यकर्ता हत्या कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम मिलकर राज्य में हिंसा फैला रहे हैं। अब अगर राज्य में एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे तो केंद्र में विपक्षी एकता की तस्वीर कैसे दिखाएंगे? क्या मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता सिर्फ एक दिखावा रह जाएगी? इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी स्टूडियो से। जूही बिस्वास है हमारे साथ, प्रवक्ता टीएमसी। चंदन घोष, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जूही जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। बंगाल की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बंगाल का चुनाव क्या खून मांगता है हर बार। प्राची जी, पहले बात तो मैं आपको कहना चाहूंगी, देखिए कोई भी हिंसा की घटना, कोई एक भी मौत की खबर कोई भी राजनीतिक दल के लिए ये सही नहीं है। हम लोग हमेशा बोल रहे थे कि देखिए पीसफुल इलेक्शन होना चाहिए, और इसीलिए ये जो आप जो ये हो रहा है, ये जो इलेक्शन हो रहा है पंचायत, ये भी अगर आप बोलेंगे तो ये कोर्ट मॉनिटरिंग में हो रहा है। यहाँ पर केंद्रीय बल को स्टैंड कर दिया गया था, यहाँ पर राज्य पुलिस भी था साथ में, लेकिन ये हम लोग देखे पुलिस जो केंद्रीय बल था उनका कोई भी नाम निशान देखो नहीं मिला। 5 घंटा लेट से कहीं कहीं पे केंद्रीय बल कोई कोई स्टेशन में पहुंचे तो लोगों को सुरक्षा क्या देंगे, ये लोग टाइम पे पहुंच ही नहीं पाए। हम लोग बोल रहे हैं देखिए कोई भी एक भी जिंदगी नहीं जाना चाहिए, कोई भी इलेक्शन हो, पंचायत हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कोई भी इलेक्शन हो, लोगों की जिंदगी बहुत महंगी है, और एक भी यहाँ कोई भी किसी पार्टी के, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के, कोई भी किसी कर्मी हो, नेता हो, किसी की भी जिंदगी नहीं जाना चाहिए, आम आदमी के तो एकदम ही नहीं। आज लेकिन हम लोग देखे सुबह से यहाँ पर सीपीएम, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के गुंडे ने सुबह से आज कई कई बूथ कैप्चरिंग के घटना सामने आई, कहीं पे छप्पा वोट कराने की कोशिश की सीपीएम के कार्यकर्ता, हम लोग देखे हैं। जूही जी, तस्वीरें मैं लगातार दिखा रही हूँ। ये तस्वीरें कतई नहीं बता रही हैं कि आज पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई दंगा हो रहा हो, ऐसा लग रहा है जैसे आपस में दो गुट भिड़ रहे हों। चुनाव के दिन जिस दिन शांति रहनी चाहिए उस दिन का तो ये माहौल बिल्कुल नहीं लग रहा। एक सेकंड रुक जाइए मैडम, एक सेकंड रुक जाइए, तस्वीरें भी दिखा रही हूँ। साथ ही साथ ये बता दीजिए आप बार बार केंद्रीय बल की तरफ अगर इशारा कर रही है, सरकार किसकी है फिलहाल पश्चिम बंगाल में?
टीएमसी के है, टीएमसी की पुलिस वहां पर मौजूद है, तो किसकी जिम्मेदारी है फिर रहने के लिए कोर्ट का ऑर्डर मिला था। नहीं, किसकी जिम्मेदारी है मैडम कि पश्चिम बंगाल में चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से हो जाए, ये जिम्मेदारी किसकी है? ये नहीं है कि सुनिए, राज्य सरकार हम लोग है, टीएमसी है, रूलिंग पार्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि टीएमसी अकेले शांति बनाए रखेंगे और बाकी जो जो विपक्षी दल है सब वहाँ पर दंगा करने के लिए पहुंचे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप जुई जी? या तो फिर आप ये मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार इतनी सशक्त नहीं है कि वो विपक्षी साजिश को नाकाम कर सके। एक सेकंड रुकिए जुई जी, ये दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। या तो आप ये मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में मौजूदा सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि वो किसी भी साजिश को, किसी भी कॉन्स्पिरेसी को खत्म कर सके, या तो फिर आप ये मानिए कि आपकी गलती है, आपसे चूक हो रही है। आपके मुताबिक हम बात नहीं करेंगे, आप कोई भी नैरेटिव सेट कर देंगे और ये आपकी मैं नैरेटिव सेट कर रही हूँ, मैं आपके आपसे सेट कर रही है, ये तस्वीरें नैरेटिव सेट कर रही हैं। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ जुई जी, मैंने कुछ भी एक शब्द अपनी तरफ से नहीं कहा है, ये तस्वीरें कह रही हैं। अरे जुई जी सुनिए मैडम, आज जब जलता है, आज आज जुई जी घुमा घुमा कर लच्छेदार बात करने के लिए तो मैं यहाँ पर बैठी नहीं हूँ। मैं आज तस्वीरों पर आपसे जवाब मांग रही हूँ, मैं आज तस्वीरों पर आपसे जवाब मांग रही हूँ। जब प्रधानमंत्री जाके मेट्रो में बैठ के स्टैंड देते हैं तब आप लोगों को चैनल में नहीं दिखाया जाता है कि मणिपुर क्यों जल रहा है, क्यों लोग वहाँ पर रिलीफ कैंप में पहुंचे। अच्छा, अगर मणिपुर, एक सेकंड, अरे रुक जाइए जुई जी, पहले तो मुझे ये फॉर्मूला समझ में नहीं आता है कि अगर आपसे आपके पश्चिम बंगाल को लेकर सवाल पूछ लूं तो दूसरे राज्यों का जिक्र करने लग जाएंगी। अरे जिम्मेदारी जहाँ पर आपकी है पहले उस पर तो जवाब दीजिए, उस पर जवाब दीजिए पहले। ये तस्वीर देख लीजिए, इस तस्वीर में मतपेटी को तालाब में फेंक दिया गया, वोटर्स के अधिकार का क्या हुआ? ये तो विपक्षी ने किया है, ये बीजेपी के कार्यकर्ता, ये जो बैलेट बॉक्स है उसमें पानी। तो कामयाब कैसे हो गए बीजेपी के कार्यकर्ता? क्या कर रहा था प्रशासन, क्या कर रही थी आपकी सरकार? विपक्षी के पास कैंडिडेट नहीं है, सारे बूथ में सारे जो नॉमिनेशन नहीं दे पाए बीजेपी आज सारे बूथ में, तो आज ये लोग मिलके आज दंगा कर रहे हैं। अरे जुई जुई जी, आप सुन भी रही हैं कि इस वक्त आप क्या कह रही हैं? लग नहीं रहा मुझे कि आपकी सरकार है पश्चिम बंगाल में। अगर इतने ही आप लोग लाचार हैं तो सरकार कैसे चलाइएगा मैडम? लोगों ने मैंडेट दिया है, आपको भरोसा जताया है कि आप सुरक्षित रखेंगे, लेकिन यहाँ तो रक्त रंजित तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुनिए प्राची जी, बंगाल में 70,000 बूथ है, 70,000 बूथ में सिर्फ 70 या 80 बूथ में ये गड़बड़, सिर्फ 70 और 80 सिर्फ लगा रही हैं अभी भी, और 10 से 12 लोगों की राजनीतिक हत्याएं हो गई है। मैडम थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, थोड़ी सी सेंसिटिविटी दिखाइए। आप एक सेकंड रुक जाइए, आप अपनी जिम्मेदारी पर तो नहीं बोलेंगी, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी आप तय कर रही है, आइए उनसे जवाब ले लेती हूँ। रुक जाइए शहजाद जी, ये जो कुछ भी हो रहा है ये आप लोग कर रहे हैं, नैरेटिव भी आप सेट कर रहे हैं। चूंकि हार का डर है इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ता उपद्रव मचा रहे हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल मदद नहीं कर रहे सरकार की। जुई जी रुक जाइए, अब आ गई आपकी बात, हम अपनी बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। रुक जाइए शहजाद जी, देखिए आमतौर पर चुनाव जो होता है प्राची जी, देश में लोकतंत्र का पर्व माना जाता है, परंतु आज लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे काला अध्याय, ब्लैक डे के नाम पर जाना जाएगा, जब बंगाल से वही 1990 के दशक के बिहार की तस्वीरें, जंगल राज की और बूथ कैप्चरिंग की तस्वीरें आज दिखाई देती है, और इस रक्त रंजित चित्र के पीछे राज्य प्रायोजित, राज्य संरक्षित और राज्य के द्वारा हिंसा का संस्थागतीकरण, मतलब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस है। उन्होंने कहा बीजेपी कर रही है, मोहतरमा 2013 से ही यहाँ पर किस प्रकार का हिंसा का नाच हो रहा है चुनावों में वो देखा है। भाजपा तो 2016-17 के बाद एग्जिस्टेंस में आई है, और लगभग मुझे लगता है कि 5 वर्ष पहले तो हमारा एक जन्म हुआ है बंगाल में ठीक से, तो 2013 में कैसे हुआ? और हर इलेक्शन साइकिल में, यहां पर कांग्रेस के भी हमारे साथी बैठे हैं, हर इलेक्शन साइकिल में ममता दीदी के आने के बाद हिंसा का नंगा नाच देखा गया है। मेरे 2-3 स्पेसिफिक सवाल है। पहला, जुई जी और आप सरकार है इसलिए जवाब दीजिए, आपने कहा बीजेपी ने ये करवा दिया, बीजेपी ने वो करवा दिया, आप केवल कहिए मत, प्राची जी बैठी है, 1 घंटा शो है, आप FIR दिखा दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बूथ कैप्चरिंग की, कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने छापे कर दिए उसके ऊपर बिफोर पोलिंग। दूसरी बात, पूरी बात हो जाने दीजिए, दूसरी बात मुझे बताइए कि जो 5 फेज में चुनाव हुआ था 2013 का पंचायती पोल, आज 1 फेज में कैसे हुआ? 2018 का भी आपको शायद पता होगा 3 फेज में हुआ था जहां तक मेरी जानकारी है, आज 1 फेज में करने का क्या औचित्य था?
2013 में जितनी सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय हुई थी, आज उतनी सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय करवाने के लिए पहले तो एसईसी ने मना किया। कभी एसईसी डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस के लिए विरोध करती है? और जब डिप्लॉय कर दिए गए फोर्सेस जुलाई के अंदर, तब कल शाम को सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया और हाईकोर्ट ने क्या कहा था, 50-50 के अनुपात में स्टेट और सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉय होंगे। मैं आज पूछना चाहता हूं कि कई जगहों पर सेंट्रल फोर्सेस को पहुंचने ही नहीं दिया गया, और यह केवल मेरा आरोप नहीं है, कांग्रेस के भी जो मित्र है उनका भी आरोप है कि कई जगहों पर बमबारी हुई। आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह कहती है कि हम करवा रहे हैं, हम बीजेपी वाले करवा रहे हैं। यह तस्वीर जो है इसमें आप देख सकती है कि किस प्रकार से हमारे पोलिंग एजेंट को, बीजेपी के पोलिंग एजेंट जो है उसको मार दिया गया है गोली मारकर। यह माधव विश्वास है, और मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। यह टीएमसी का कार्यकर्ता बंदूक लेकर घूम रहा है, इसको पुलिस ने क्यों गिरफ्तार नहीं किया? अगर ये बीजेपी का कार्यकर्ता है तो बता दीजिए बीजेपी का नाम इसका। इसके अलावा आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से वहां पर पोलिंग एजेंट ही पोलिंग करवा रहे। ये है 137 मसद ग्राम पंचायत की पोलिंग का बूथ डायमंड हार्बर में। आप जरा इसको जूम कीजिए कैमरा पर्सन, इसमें दिख रहा है कि जो अंदर ऑफिशियल्स बैठे हैं वही वोट कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बीजेपी कैसे करवा सकती है? जब इनको कहा गया सीसीटीवी अंदर लगवाइए, सीसीटीवी इन्होंने अंदर नहीं लगवाए। इनको कहा गया सिविल वॉलंटियर्स को मत रखिए, उन्होंने सिविल वॉलंटियर्स को रखा। ये सारी चीजें हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हो रही है। ये खुद वहां के ऑफिशियल्स पोलिंग बूथ 137 ब्लॉक नंबर 1 डायमंड हार्बर में वोट डलवा रहे हैं खुले में। तो जुई विश्वास जी, आज केवल आरोप नहीं, आज आपको तथ्यों के साथ बात करनी होगी। और मैं एक लास्ट सवाल छोड़ना चाहता हूं। मेरे मित्र है चंदन जी, चंदन जी बंगाल में कुश्ती और पटना और बेंगलुरु में दोस्ती, ये नहीं चलेगा। आपके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, उनके लिए आवाज भारतीय जनता पार्टी के नेता सुवेंदु अधिकारी बन रहे हैं, सुकांता मजूमदार बन रहे हैं। आपके नेता तो बंगाल में आवाज उठाते हैं, परंतु राहुल गांधी का एक ट्वीट नहीं। ये लोकतंत्र बचाओ, ये आपका लोकतंत्र बचाओ। ठीक है चंदन जी, लोकतंत्र पर ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं हो सकते ना। आप पूरे देश में जहां भी चुनाव होते हैं आप आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का हनन करती है, लोकतंत्र को खत्म कर रही है। अभी बंगाल की तस्वीरें जो मैं लगातार दिखा रही हूं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, ये तस्वीरें क्या लोकतंत्र की सही परिभाषा है? देखिए प्राची जी, ये लोकतंत्र का कोई बात ही नहीं होगा, बिकॉज जुई जी कंप्लीटली स्पीकिंग इन द ड्रीम। ये सपना में बात कर रही है। ये बंगाल में जो लोकतंत्र का बात हो रहा है ये नहीं है, अभी कंप्लीट फर्स्ट, नो डेमोक्रेसी। लेकिन एक बात बोलना चाहता हूं, यहाँ पे कांग्रेस ये स्टेट इलेक्शन कमीशन डील करते हैं ना, बंगाल का इलेक्शन जो पंचायत लेवल थर्ड आई मीन टायर्ड इलेक्शन, तो ये कौन डील करता है बंगाल का, मतलब हर स्टेट का बाई रूल स्टेट इलेक्शन कमीशनर। ये स्टेट इलेक्शन कमीशनर कंप्लीट पापेट, and it is an alliance between Trinamool Congress and State Election Commission. ये election जो fight कर रहा है ना, वो इसी हिसाब से fight कर रहा है। मैं पूनावाला जी का बात थोड़ा बाद में मतलब ये reply करूँगा, लेकिन पहले जुई जैसे बात कर रही है, इससे पहला पहला जो कदम है ये जो Trinamool Congress, State Trinamool Congress, ये responsibility नहीं ले रहे, and moreover they have not given the right of the people 2018 34% election mein nomination nahi diya, and this time it is the people's resistance. Isliye ek I mean 24 hours mein 14 people died, 14 people died out of which 7 congress. Abhi baat kar raha hu Pune wala ji, ये नेशनल पर्सपेक्टिव चंदन जी, चंदन जी, चंदन जी, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये आरोप तो लग गए मौजूदा सरकार पर, तस्वीरें भी मैंने दिखा दी। एक सेकंड चंदन जी, एक सेकंड, पहला बात जो है ना, आप लोग जो नेशनल नैरेटिव बना रही है तो ये ठीक नहीं है। क्या नेशनल नैरेटिव? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, आई जस्ट टेल यू दिस, पुनावाला जी यही बात किए थे ना, आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियर, मेरा स्टेटमेंट एकदम क्लियर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर डील कर रहे, स्टेट इलेक्शन कमीशन ये राज्य का मामला है, एंड स्टेट वेस्ट बंगाल कांग्रेस बीइंग द स्पोक्सपर्सन, वेस्ट बंगाल कांग्रेस हैज बीन फाइटिंग। अरे ठीक है चंदन जी, आप चंदन जी सुनिए, यहाँ कोई क्यों नैरेटिव बनाने के लिए नहीं बैठा है। मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने जुई जी से भी बोला था, मैं आपसे भी ये कह रही हूँ कि यहाँ मैं नैरेटिव बनाने नहीं बैठी हूँ, पश्चिम बंगाल की तस्वीरों पर चर्चा कर रही हूँ। पहले सुनिए, मैं सर एक सेकंड सुनिए, सुनेंगे नहीं, सवाल नहीं आएगा, सवाल का जवाब नहीं आएगा और चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। चंदन जी सुनिए एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, इसके लिए मौजूदा सरकार जिम्मेदार है, मानते हैं ना कि गलती हो रही है मौजूदा सरकार से?
200%, if you can say 2000%, and there is no balance. I tell you here, Poonawalla ji ka saath mera kabhi kabhi meet ho jata hai national, you know, channel pe, and every time I had mentioned Bengal mein alliance hoga nahi, aap national, please, aap national perspective mat laiye. अरे तो सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, एक सेकेंड रुक जाइए सर, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, ये कंफ्यूज मत करिए. बंगाल में आप नहीं अलायंस करेंगे, लेकिन नेशनल में आप जाकर अलायंस कर लेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर जाकर आप अलायंस कर देंगे. यानी बंगाल में जो मौतें हो रही हैं, आपके जो कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, आपके कार्यकर्ताओं को जो नुकसान पहुंच रहा है, उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे आप, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है. कॉम्प्रोमाइज नहीं हम लोग नहीं कर रहे. कॉम्प्रोमाइज एब्सोल्युटली हम लोग नहीं कर रहे. एंड द सेकंड थिंग इज, आप जिसे बात कर रहे जी से गठबंधन बन गए, नहीं, हम लोगों का कंडीशन है, ममता जी आई और नहीं आई, हम लोगों का जो लड़ाई है बीजेपी का विरुद्ध में नेशनल पर्सपेक्टिव. नहीं नहीं चंदन जी, दो बातें नहीं हो सकती ना, वेदर इट इज यस वेदर इट इज नो, ये दो बात नहीं हो सकती ना. नहीं नहीं सर, पेंडुलम नहीं बना सकते हम. बंगाल के गंभीर मुद्दों पर अगर चर्चा कर रहे हैं, गंभीर तस्वीरों पर अगर चर्चा कर रही हूँ, तो आप या तो टीएमसी के साथ हो सकते हैं या टीएमसी के खिलाफ. रुक जाइए अभिषेक जुई विश्वास जी, मैं आ रही हूँ. शहजाद जी, जुई जी, अभी शहजाद जी ने बड़े ही स्पेसिफिक तरीके से एक एक पॉइंट का जवाब भी दिया और आपसे सवाल भी पूछा. जो तस्वीर मैं दिखा रही हूं, वो तस्वीर भी आपसे ही सवाल पूछ रही है कि ये बंगाल का चुनाव क्यों रक्त रंजित हो चुका है, किसकी जिम्मेदारी है ये? प्राची जी, पहले तो मैं आपको, प्राची जी आपका वॉइस और थोड़ा ब्रेक हो रहा है बीच बीच में. चंदन की वॉइस, प्राची जी आपके वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है बीच बीच में, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है. चंदन दा की भी मेरा पूरा बात सुन नहीं पाए. आप थोड़ा ऑडियो को थोड़ा ठीक करने के लिए बोलिए, पहली बात. ठीक है, मैं कराती. दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी, अगर हमको दो मिनट थोड़ा अनइंटरप्टेड बोलने के मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सवालों का जवाब देना है. देखिए बंगाल में ये जो चुनाव होता है ना, ये चुनाव में हमेशा से हिंसा की घटना घटी है. ये पहली बार नहीं है कि आज 2023 में ये पहली बार हो रहा है. अगर हम लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट की भी लास्ट दो पंचायत इलेक्शन देखेंगे, 2003 में डे ऑफ नॉमिनेशन से लेके डे ऑफ वोटिंग तक आपका मौत का आंकड़ा था 45 जन. डे ऑफ पोलिंग का था, जिस दिन पोलिंग हुआ था उसमें 35 लोगों का मौत हो गया था, और पोस्ट पोल वायलेंस में हुआ था 27 लोगों का मौत, और 1200 से ज्यादा जो विपक्षी, तो क्या करूं मैं? उस विपक्षी, मैं वो कंपैरिजन करके क्या पीठ थपथपाऊं आपकी? नहीं, पीठ थपथपाऊं क्या? पीठ थपथपाऊं? दो मिनट पूरा बात सुनना पड़ेगा. नहीं, ऐसे तो नहीं होगा ना जोई जी, आपके हिसाब से मेरी चर्चा चलेगी, ऐसा तो नहीं हो पाएगा. ऐसा नहीं हो पाएगा मैडम, मुझे सवाल आएगा. आप अगर कुछ ऐसा बोलेंगी जिसमें मुझे लगता है कि मुझे काउंटर करना चाहिए, तो मैं आपसे काउंटर करूंगी, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे. एक काम कीजिए, आप बीजेपी और सीपीआई कांग्रेस को बुला दीजिए, टीएमसी को बोलने का जरूरत क्या है? अगर आप नहीं सुनेंगे मेरी बात, तो अगर आप ऐसी बातें करने लग जाएंगी, एक सेकेंड जुई जी, दिक्कत ये है ना, मैं भी बोल रही हूँ, आप भी बोल रही हैं, और किसी की बात समझ में नहीं आ रही है. जुई जी दिक्कत ये है, पिछली सरकारों से कंपैरिजन बाद में कर लीजिएगा, अभी की सरकार क्या कदम उठा रही है ये बताइए मुझे. अच्छा, आज के बाद तक सुनेंगे ना कि आज के बाद भी हम नहीं सुनेंगे? बोलिए ना, बोलिए बोलिए मैडम, इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है. एग्रेशन दिखाना है तो जमीन पर जाकर दिखाइए, जहाँ कार्यकर्ता परेशान है, वोटर्स परेशान है. अब बोलिए, सुनिए प्राची जी, अगर आपको बात नहीं करने देना है तो अलग बात है, लेकिन मेरे को अगर बात करने देना है तो आज आपको सुनना पड़ेगा एक मिनट दो मिनट. बढ़िए, आगे बढ़िए, बोलिए बोलिए. नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा. मैं साफ बोल रही हूँ कि देखिए, अगर आज की अगर आप डेटा देखेंगे, आज 27 लोगों का मौत हो गया है. आज मतलब जब से चालू हुआ ये प्रोसेस, नॉमिनेशन प्रोसेस, तब से लेके आज तक बंगाल में हिंसा के खबर जो आ रहे हैं उसमें 7 लोगों का है, उसमें 17 लोग जो मरे गए हैं उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता या टीएमसी के लीडर है. डेट और कार्यकर्ता थे और टीएमसी के जितने लीडर्स थे उनका मौत हुआ है, 17-60%. हम डेटा आंकड़ा बता रहे हैं शायनाज पूजा पुनेवाला जी को. तो क्या टीएमसी अपने कार्यकर्ता और ये मर रहे हैं तो वो भी टीएमसी करा रहे हैं? आपके बोलने का मतलब है? हम सिर्फ इतना बोलेंगे, देखिए ये नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्वक वोट होना चाहिए, होना चाहिए,
एक सेकेंड जुई जी, होना चाहिए वाली भाषा मौजूदा सरकार को नहीं शोभा देती है मैडम। चाहिए से नहीं होगा, क्या हो रहा है ये बताइए, क्या हो रहा है ये बताइए। मरने वाले चाहे टीएमसी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिम्मेदारी आपकी थी। और अगर आप एक दूसरे पर सिर्फ टोपी शिफ्ट करते रह जाएंगे तो बंगाल में क्या होगा? बंगाल में जो दिखाया जा रहा है इतना बड़ा करके उतना प्रॉब्लम नहीं है। क्या बड़ा बड़ा करके मीडिया दिखाने की कोशिश कर नहीं नहीं क्या बड़ा करके दिखा रही हूँ मैं, ये तस्वीरें झूठ बोल रही है। ये जो लोग भाग रहे हैं, रुकिए मैडम, ये जो लोग भाग रहे हैं हाथ में बंदूक है, ये जो मत पेटी लेकर भाग रहा है, ये झूठ है। 70 पोलिंग बूथ का खबर आप दिखा रहे हैं, बाकी में शांतिपूर्वक वोट। अरे तो 70 और 80 बूथ की संख्या क्या कम होती है जुई जी, थोड़ा सा सेंसिबल साउंड करिए। सरकार में है आपके लिए तो एक बूथ पर भी हिंसा मायने रखनी चाहिए, यहाँ तो 70-80 आप अपने अपने मुंह से बोल रही है। शहजाद जी रुक जाइए एक सेकंड, जी विश्वास जी एक सेकंड रुक जाइए। मरने वाले टीएमसी के भी कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदारी कोई तो लेगा ना, ये आपसे रंजिश का नतीजा है क्या? रुक जाइए जुई जी प्लीज रुक जाइए। उम्मीद कर रही थी थोड़ी जिम्मेदारी से बात कर लेती मैडम, आप जवाब नहीं आया, अब मैं शहजाद जी से उनकी जिम्मेदारी जान लूं। शहजाद जी देखिए ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रदेश में उनकी भूमि में हम लोग अब लाशों की तुलना और लाशों की गिनती और शिनाख्त कर रहे हैं कि इसके इतने मरे और उसके इतने मरे, एक भी क्यों मरा। परिवर्तन की राजनीति करने के लिए ममता बनर्जी जिस लेफ्ट की मुखालफत करते करते सत्ता में आई, उसके बाद उसी राजनीतिक हिंसा को उन्होंने आज इंस्टीट्यूशनलाइज किया है, पहली बात। दूसरी बात, 70-80 बूथ में हो गया तो क्या बड़ी बात है, चैनल क्यों दिखा रहे हैं, अरे कुछ ही लोग तो मरे हैं, केवल 27 तो मरे हैं, ये इस प्रकार की भाषा। आप सोचिए कि जो दृश्य हम लोग बिहार में एक समय पर 30-40 वर्ष पहले देखते थे, आज वो आप मॉडर्न डे बंगाल, जिसके बारे में कहा जाता था कि बंगाल का दृश्य आने वाले भारत का दृश्य होता है, उसमें दिखा रही है। दूसरी बात, मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन, क्योंकि ये चर्चा से लोगों को कुछ हासिल होना चाहिए, खास करके बंगाल की जनता को, मैं प्राची जी पूछ रहा हूँ, 822 कंपनी CAPF की भेजी गई, वो पहुंची 3 जुलाई को, मैं पूछना चाहता हूं 3 जुलाई से लेकर आज तक उनकी डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं की गई, कल रात को ही क्यों उनको मूव किया गया, पहला स्पेसिफिक सवाल। अगर मूवमेंट की गई तो बताएं कहां मूवमेंट की गई। दूसरा, 50-50 के रेशियो में स्टेट और सेंट्रल करना था, आपने कितने बूथों में 50-50% का किया रेशियो, मुझे 60,000 बूथों का एक आंकड़ा प्राची जी के सामने रखे। तीसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 5 फेज और 3 फेज में होने वाले चुनाव को आखिरकार एक फेज में किया ही क्यों गया, यदि आपको पता था कि ऐसी हिंसा होती है या इसमें हिंसा की प्रवृत्ति है, तो आज हम बार बार जब आपसे कह रहे थे एक फेज में मत कीजिए, तो क्यों आपने एक फेज में किया। और आखिरी बात, चंदन जी मेरे मित्र हैं, पर चंदन जी इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि ये बंगाल को आप कुश्ती में तो करते हैं या बंगाल में, पर पटना में जब दोस्ती करते हैं तो नेशनल मॉडल क्या आप यही देना चाहते हैं? कल जो बंगाल में आज हो रहा है, क्या परसों और तरसों इस पूरे देश में आप इसी प्रकार के बूथ कैप्चरिंग करवाना चाहते हैं? इसीलिए हम कहते हैं कि राहुल गांधी आज आकर स्वयं बताए, वैसे तो उनका ट्विटर हैंडल बड़ा एक्टिव रहता है, कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े एक्टिव रहते हैं, आज तो साफ सुन गया है वो, उनको यह भी चिंता नहीं है कि उनके कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए, बताइए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात। ठीक है अधिरंजन, तो बोल रहे हैं वो तो लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं जुई जी इसका जवाब आपसे लूंगी। इस बीच जब हम बात कर रहे हैं ना जुई जी, सेंसिटिविटी समझिए, जब हम बात कर रहे हैं इस बीच एक और बूथ की खबर सामने आ गई है 24 परगना में। ISF और TMC कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं और एक दूसरे पर वोट डालने का आरोप लगा रहे हैं, फर्जी वोट डालने का आरोप लगा रहे हैं। तो ये है गंभीरता और ये है सच्चाई जुई जी, जो मैं बार बार कह रही हूं कि रक्त रंजित हो गया है पश्चिम बंगाल का ये पंचायत चुनाव। जवाब लूंगी मैडम, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे, देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप। जुई जी, जिनके साथ आप गलबैया कर रहे हैं, जिनके साथ आप एक लार्जर पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वही लोग आपके प्रदेश में आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अधिरंजन कह रहे हैं लोकतंत्र है ही नहीं, अधिरंजन कह रहे हैं ये हिंसा करवा रही है टीएमसी, सरकार के सामने, टीएमसी के सामने, पुलिस के सामने कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं हमारे, इस पर तो यकीन करिएगा, मैं तो चलिए नैरेटिव बना रही हूं। मैं नैरेटिव आपसे चंदन जी आपसे नहीं, एक सेकंड जुई जी से, जुई जी से, जुई जी आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी जी, पहले मैं शहनाज जी का उत्तर दे दूं। पहली बात तो है, देखिए आज
जो बता रहे 6 फेज में, क्यों? तमिलनाडु में तो आपने 2021 में एक ही फेज में करवाए थे और बंगाल में 6 फेज में अपने इलेक्शन करवाए थे। 2021 में क्या बोले थे, इस बार 200। आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके आधा से ज्यादा, खबर ले लीजिए मेरे बात में मत कीजिए, आपके बहुत सारे बूथ में आप लोग कैंडिडेट ही नहीं दे पाए, बीजेपी का चुनाव के लिए आप लोग कैंडिडेट नहीं दे पाए पंचायत इलेक्शन में, आप खबर ले लीजिए मेरे पे मत कीजिए। दूसरी बात तो आपको बता दू, आज जो ग्राउंड रियलिटी है बीजेपी का यहाँ पर बंगाल में, इनके तीन नेता यहाँ पर है, एक शुभेंदु अधिकारी जी है, एक दिलीप घोष जी है और एक सुकांत मजुमदार है। तीनों ने तीन अलग बयान ये लोग देते हैं, कोई किसी के साथ संबंध नहीं रखते हैं। तो आज बीजेपी का हकीकत बंगाल में ही है कि ना इनके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना इनके पास कैंडिडेट है। आपके पास है ना, आपके पास तो सरकार है, आपके पास सिस्टम है जुई जी। एक सेकंड जुई जी, एक वाक्य के लिए एक सेकंड कोई नेशनल न्यूज यहाँ पर मैं नहीं बना रही हूँ, जो तस्वीर कह रही है मैं उस पर सवाल पूछ रही हूँ। जुई जी एक सेकंड रुक जाइए मैडम प्लीज, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए, मैं नेशनल न्यूज बना रही हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड जुई जी, जुई जी बीजेपी राज्य बीजेपी के जुई जी गवर्नमेंट है, चिंता है ना पश्चिम बंगाल की आपको? जुई जी तो बता दीजिए, अरे पश्चिम बंगाल की चिंता है कि नहीं? मेरी हिम्मत यहाँ पर मत आप आंकिए, अपनी हिम्मत की बात करिए, सरकार की हिम्मत की बात करिए, क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल जल रहा है। ये बताइए मुझे पश्चिम बंगाल में ये सब कुछ जो हो रहा है, मैं तो चलिए नेशनल न्यूज बना रही हूँ, अरे रुकिए ना, न्यूट्रली बात कीजिए। एक सेकंड, देख के नहीं लग रहा है कि आप एक एंकर है? नहीं मैडम, तो आपको देखकर भी ये नहीं लग रहा है कि आप सरकार में बैठी हुई हैं? आपको देखकर ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपकी सरकार है वहां पर? वरना कम से कम आप जिम्मेदारी तो ले लेती। अब रुकिए, मुझे मेरी जिम्मेदारी मत सिखाइए, अभी मैं इस पर चर्चा कर लूंगी बाद में। अरे अधिरंजन पर जवाब दे दीजिए एक बार, एक सेकंड चंदन जी मैं आ रही हूँ बस, एक सेकंड अधिरंजन जी पर जवाब दे दीजिए कि जिनके साथ आप एक लार्जर पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, वही कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र नहीं है, वही कांग्रेस कह रही है पुलिस के सामने टीएमसी के कार्यकर्ता हमें मार रहे हैं। देखिए मैं पहले बात तो कहूंगी, देखिए जो देश में जो एकता की और जोड़ की बात राहुल जी ममता जी जो पाटनक में सब मिलके किए थे, सीताराम येचुरी सीपीएम के और बड़े बड़े सितने 17 विपक्षी दल के नेता, ये अधीर रंजन चौधरी बंगाल में एक बीजेपी का एजेंट है, ये कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं है, यहाँ बीजेपी की ऐसे तौर से काम कर रहा है, ये सबको पता है। आज ये ममता जी मोदी जी का एजेंट नहीं है ना, चंदन जी मुझे लगता है आप ही आ जाइए सर, मैं इससे आगे क्या बोलूं? रुक जाइए जुई जी, मैं इससे आगे क्या बोलूं मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्या अधिरंजन जी बीजेपी के एजेंट हैं? देखिए देखिए सीधा बात ये है, अभी सजीत जी जो बात किया ना, दैट इज वर्थ आंसरिंग, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है, उनका जो जो सवाल है ये सवाल नेशनल इंटरेस्ट बोलिए या स्टेट इंटरेस्ट बोलिए, इस पे पैदा हुआ। एक मिनट जुई 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 जी, जुई जी फॉर अ सेकंड प्लीज, आप यहाँ पे लोकतंत्र, आप यहाँ पे डेमोक्रेसी क्या बोले, आपको क्या बोले, यू आर ट्रू 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 प्रतिजी ऑफ ममता बनर्जी, ममता बनर्जी का आप सही प्रतिजी है, बात कर दीजिए। अब रुक जाइए जुई जी प्लीज, जुई जी फिर देखिए आप, जुई जी आप लोग, जुई जी आप फिर मुझ पर प्रश्न करने लग जाएंगी, मैं एंकर कैसी हूँ ये बताने लग जाएंगी, ये नहीं बताएंगी कि सरकार क्या काम कर रही है। जरा चंदन जी का स्टैंड आने दीजिए प्लीज, बोलिए चंदन जी। या तो जो मेरा बोलने के ये मतलब है, जो अधीर रंजन चौधरी इज द ओनली पर्सन बंगाल में जो फाइट कर रहा है पहले से, आप थोड़ा हिस्ट्री देख लीजिएगा, ये अधीर रंजन चौधरी पहले से जो फाइट कर रहे हैं, ये फाइट वन सेंट्रिक फाइट जो तृणमूल कांग्रेस का यहाँ पे जो मतलब डेमोक्रेसी कंप्लीटली डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय किया इसका बारे में और इसका विरुद्ध में, इसमें कोई सवाल पैदा नहीं होता है। आस्क एनी पर्सन इन बंगाल, दिस वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इन लोगों का जो जितना जो आप पूछिएगा वो बोलेंगे नेगेटिव, नेगेटिव इक्वालिटी जिसको कहते हैं, वो बोलेंगे 2003 2008 2011 में ये इन लोगों का मौका कैसे मिला? इन लोग अगर वो पहले वाला हिस्ट्री यहाँ पे रिपीट करेंगे तो इन लोग क्यों रहेंगे, तो लेफ्ट रहेंगे। बात ये पैदा होता है जहां पे इन लोगों को पूछिए, आज इन लोग ये जो 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 डेमोक्रेटिक
सिस्टम जो बंगाल में है ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, एंड ये जो पंचायत इलेक्शन ये चुनाव में चंदन ये जी अपने तृणमूल कांग्रेस के साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन अलायंस कर चंदन जी एक छोटा सा सवाल का जवाब देंगे अपोजिशन को डिस्ट्रॉय करने एक सेकंड एक छोटे से सवाल का जवाब देंगे अभी अभी जब हम अधीरंजन चौधरी पर हम सवाल जवाब कर रहे थे और बीजेपी का एजेंट अगर जूही जी उन्हें बता रही हैं सबसे पहले आप बताइए आपकी नजर में अधीरंजन जी जो कह रहे हैं वो कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है या नहीं है एब्सोल्युटली बंगाल लाइन ऑफ स्टैंड तो फिर ये बात क्या जो दिल्ली में बैठे हुए नेता है स्टेट कंपल्शन होता है हम लोगों के साथ तृणमूल का कोई अलायंस नहीं है हां सर एक सेकंड रुक जाइए प्लीज 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 चंदन जी एक सेकंड रुक जाइए जब अधीरंजन चौधरी जी यहां बोल रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है और इसी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं अगर राष्ट्रीय स्तर पर तो अधीरंजन जी की बात क्या दिल्ली में बैठे हुए नेता नहीं सुन रहे हैं क्या उनके लिए अधीरंजन जी मायने नहीं रखते हैं इन लोग सुन रहे हैं लेकिन एक बात है अभी गठबंधन नहीं हुआ ये जो डिस्कशन चल रहा है डिस्कशन का मॉड्यूल होता है बहुत सारे कंडीशंस होता है ये जो आरोपित होता है वो अगर मानेंगे तो ममता जी किन बंगाल के कांग्रेस का बोलने का ये बंगाल में मिस रूल चल रहा है सो बंगाल का मिस रूल का अगेंस्ट में कांग्रेस यहाँ पे लड़ाई कर रहे लड़ाई करेंगे ये बात एकदम सीधा है नहीं तो सर बंगाल की लड़ाई और देश की लड़ाई अलग अलग नहीं हो सकती ना आप अगर लोकतंतर को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे तो ये लोकतंत्र नहीं हो सकता ना मैं तो ये पूछ रही हूँ आपसे कि ये फिर पश्चिम बंगाल की टीएमसी कैसे फिट हो जाएगी आपके साथ राष्ट्रीय स्तर पर ये तो बीजेपी नहीं है हर जगह पे जो बीजेपी करते तो सवाल एक ही हो जाता है पूरा देश भर सवाल एक ही हो जाता है मणिपुर का बात नहीं होगा हाँ। हेमंत चंदन जी देखिए अभी तक मैं जूही जी से सवाल कर रही थी काउंटर कर रही थी तो आपको अच्छा लग रहा था अब मैंने आपसे एक सवाल पलट के पूछ दिया तो आप फिर वही अच्छा अभी गोल गोल जलेबी छानने लग गए मेरा अच्छा अभी भी लग रहा है अगर आप पूरा बैलेंस पे बात करिए तो वैसा नहीं बैलेंस में बात नहीं है सर एक बात बता दीजिए बंगाल और राष्ट्रीय स्तर पर स्टैंड अलग अलग नहीं हो सकते ना बस इतना सा मैं पूछ रही थी और कुछ नहीं था मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई वो ये तो स्टेट कंपल्शन ठीक है चंदन जी हो सकता है मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही हो अब आप ये सुनिश्चित करिए कि ऐसा ना हो यही कंफ्यूजन ग्राउंड पर भी चली जाए अब रुक जाइए शहजाद जी देखिए प्राची आप ही पूरी तरीके से अरे रुक जाइए सर चंदन जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए सर एक सेकंड रुक जाइए जूही जी आपकी बातों का जवाब दे रही थी जूही जी अभी भी इस बात पर हैं कि जो कुछ बंगाल में हो रहा है वो आपकी साजिश है देखिए प्राची जी कितनी विरोधाभासी बातें हो रही है प्राची जी नहीं जूही जी आपसे नहीं है शहजाद जी से सवाल है प्राची जी विरोधाभासी बातें देखिए एक तरफ तो जूही जी का स्टेटमेंट था जब मैं आना चाह रहा था हस्तक्षेप करना चाह रहा था उन्होंने खुद कहा कि भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में 3 अलग अलग फाड़ है और ऑर्गेनाइजेशन बड़ा कमज़ोर है यदि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इतना ही कमज़ोर है तो आज की घटनाक्रम में हमारा हाथ कैसे हो सकता है तो ये स्वयं स्वीकार रही है कि हमारा कोई हाथ नहीं है ये मान रही है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ा वीक है तो हम कैसे करवा रहे हैं ये सारी चीजें दूसरी बात मैं आज इनसे स्पेसिफिक 3 सवाल पूछ रहा हूं और उन सवालों का जवाब लिए बिना मैं जाऊंगा नहीं इंडिया टीवी से एक मैं इनसे पूछना चाहता हूं सीसीटीवी कितने बूथ में थे उसका जवाब दीजिए स्पेसिफिकली दूसरा 50-50 के अनुपात में कितने सेंट्रल फोर्सेस कितने बूथ में डिप्लॉय हुए उसका जवाब दीजिए स्पेसिफिकली तीसरा बंदूकधारी अगर कोई पाया जाता है बैरकपुर वाले बूथ में तो उसके ऊपर FIR करके वो किसकी पार्टी का अभी तक बताया क्यों नहीं गया है तीसरा चौथा आपका SEC पूरे दिन कहां गायब रहा और दोपहर को 3 बजे अगर वो जागता है और अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करता है गवर्नर को भी उनसे कहना पड़ता है तो ऐसे SEC को क्यों आपने रखा था क्या उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था कि ऐसी हिंसा होती है तो इसके लिए पहले से कोई अरेंजमेंट किया जाए पांचवी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कब मूवमेंट किया सेंट्रल फोर्सेस का ये 5 स्पेसिफिक सवाल और चंदन जी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं चंदन जी देखिए अधीर रंजन चौधरी को आप कहते हैं वो कहते हैं बीजेपी का एजेंट अभी आपने कहा ममता दीदी बीजेपी के एजेंट तो बीजेपी ए टीम है दोनों मान रहे हैं परंतु मैं पूछना चाहता हूं ममता जी अगर बीजेपी के एजेंट है यह आपने अभी कहा है क्या राहुल गांधी ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं अगर राहुल गांधी मानते हैं कि ममता दीदी बीजेपी की एजेंट है तो आप उनको बेंगलुरु में क्यों इनवाइट कर रहे हैं आप उनको बेंगलुरु में क्यों इनवाइट कर रहे हैं आपका स्टेटमेंट है मेरा स्टेटमेंट नहीं है यू हैव जस्ट सेड बीजेपी एजेंट ममता बनर्जी आ रही हूं जूही जी आ रही हूं एक सेकंड कुमार जी निश्चित ही
नीतीश कुमार जी बेंगलुरु की मीटिंग का न्योता नीतीश आपकी तरफ से गया सर? एक सेकेंड एक नीतीश सेकेंड, कुमार नहीं, नीतीश कुमार जी का बेंगलुरु के, बेंगलुरु में आप इनविटेशन दे रहे, कांग्रेस पार्टी दे रही है? नहीं, ये पूरा पूरा जो जो कार्रवाई कर रहा है नीतीश कुमार जी का तरफ से हो रहा है। ये कल नीतीश कुमार जी, कल नीतीश कुमार जी केसीआर को बुलाएंगे तो मान लीजिएगा? नहीं, केसीआर स्वीकार्य है फिर इस लिहाज से? आपको आपका जो सवाल है आप तो लीजिएगा ना चंदन जी, हम संवाद कर रहे हैं, मैं आपसे एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए रुक जाइए चंदन जी, कल नीतीश जी, कल एक मेरा सवाल तो हो जाने दीजिए, सवाल हो जाने दीजिए, सवाल हो जाने दीजिए। कल नीतीश जी अगर केसीआर को बुला लेंगे, जिसको आपने अभी बी टीम बोला है बीजेपी का, तो कल स्वीकार्य है बेंगलुरु में केसीआर भी आ जाएंगे? क्या बोल रहे हैं आपने, कांग्रेस ने इनवाइट किया है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अधीर रंजन चौधरी लीडर है लोकसभा में। अच्छा जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अगर ऐसा कुछ कंपल्शन बने, ममता जी आपका साथ चला गए, मतलब ये बीजेपी का साथ चला गए, जो गई थी 98 से 2003 जो गई थी, ये तो रिकॉर्ड है ना, तो अगर चला गई तो क्या बोले? बात ये नहीं होता है, ये परहैप्स का बात नहीं होता है, लेकिन एक बात आपको, एक सवाल का आप थोड़ा मेरे को आंसर कीजिएगा, रिप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस डायरेक्टिव था, सुप्रीम कोर्ट था, 822 कंपनीज, 315 भेजने का बाद लोग स्टॉप कर गए, कल 485 ले से ही पे आया, जो क्लाइमेटिकल मतलब क्लाइमेट कस्टमाइज होने का जो टाइम है वो भी ओपक भी नहीं दिया गया। यहाँ पे क्या है, इन लोगों को डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट का टाइम नहीं है। दोनों बातें देखिए, ये बात जुही जी ने भी बोली है और ये बात चंदन जी भी बोल रहे हैं। मैं जवाब दे देता हूँ, स्पेसिफिकली जवाब दीजिएगा क्योंकि जूही जी से आपके सवालों का जवाब लेंगे, पर साफ जवाब आने दीजिए। चंदन जी ने सवाल जो पूछा है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, चंदन जी आपका सवाल आ गया, एक सेकंड आ गया सवाल, मुझे पता था ये सवाल पूछेंगे, आप पढ़ लीजिए, 822 कंपनीज सेंट्रल आर्म फोर्सेस रीच वेस्ट बंगाल, ये कब की रिपोर्ट है आप पढ़ लीजिए स्वयं, कौन से डेट की पढ़ लीजिए, आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, पढ़ लीजिए कब की है, जुलाई की, जुलाई थर्ड की है। एक सेकेंड सर, चंदन जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, चंदन जी प्लीज बीच में मत बोलिए, डिस्टर्ब होती है ऑडियंस। एक बार क्लियरली मुझे बता देने दीजिए मैं क्या बता रहा हूँ, बस छोटा सा जवाब, मैं छोटा ही दे रहा हूँ, मैं किसी के बीच में भी नहीं बोलता हूँ, मेरा तो डिबेटिंग स्टाइल भी नहीं। चंदन जी ने कहा कल रात को पहुंची है सीएपीएफ की फोर्सेस, ये मैं आपको न्यूज रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, प्लीज प्राची जी प्लीज, एक ही व्यक्ति की आवाज जाए। चंदन जी बंगाल की चिंता है ना आपको, एक सेकंड सर, बंगाल की चिंता है ना आपको, है ना? चंदन जी बीच में मत बोलिए, केवल अपने समय पर बोलिए, इतनी मेरी आपसे गुजारिश है, समय चला जाएगा, अपनी बारी में बोलिए, बस इतनी मेरी गुजारिश है। चंदन जी ने जो बोला वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, ये न्यूज रिपोर्ट है जुलाई थर्ड को 822 कंपनीज, प्लीज मैं आपसे एक, मैं ऑडियंस को एक फैक्ट बताना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो डिस्टर्ब हो जाए। एक सेकंड रुक जाइए प्लीज चंदन जी, मैं 10 सेकंड केवल मांग रहा हूँ आपसे। ऐसा क्या बता देंगे शहजाद जी जो आप नहीं आने देना चाहते हैं? आपने एक सवाल पूछा चंदन जी एक एक करके आप वक्तव्य ले लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, समय चला जाएगा, जूही जी से बहुत सारे सवाल हैं जो भी मुझे पूछने हैं, एक बार बस जो ये रिपोर्ट दिखाने दीजिए, क्या हो जाएगा फिर आप काउंटर कर लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी आपके पास। तो मैं तो दिखा नहीं सकता। देखिए समय बर्बाद हो रहा है, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला और मैं स्पेसिफिक जवाब जनता को देना चाहता हूँ। चलिए दिखाइए, मिस इन्फॉर्मेशन ना जाए, ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर दोनों के द्वारा कि सेंट्रल फोर्सेस देर से पहुंचे हैं। सेंट्रल फोर्सेस 822 कंपनी मतलब 60,000 से ज्यादा जुलाई थर्ड को पहुंच गए थे, इसको प्लीज जूम इन कीजिए, ये रिकॉर्डेड फैक्ट है। अब मैं चंदन जी से पूछना चाहता हूँ, आप स्टेट गवर्नमेंट को क्यों बचा रहे, मतलब कि आपको भी चिंता नहीं है राजनीतिक हिंसा? अच्छा चलिए, अब जूही जी को चर्चा में ला रही हूँ मैं, अब चंदन जी एक सेकंड रुक जाएगा। जूही जी तीन सवाल जो आपसे पूछे गए थे, एक सेकंड जूही जी, तीन सवाल जो आपसे पूछे गए थे, आपने बताया कि आप लोग कितने गंभीर हैं। चंदन जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, ऐसे नहीं चर्चा कर पाऊंगी। आपने बताया कि आप लोग कितने गंभीर हैं, सीसीटीवी कितने लगवाए आपने बूथ के अंदर ये बताइए, और जो 50-50 के अनुपात में जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना था वो कितनी जगहों पे हुआ ये बता दीजिए, और जो बंदूकधारी नजर आ रहे हैं उन पर कितनी अभी तक क्या कार्रवाई हो गई ये बता दीजिए। आपको बता दूं कि आपका साउंड बीच बीच में काट रहा है, एक मिनट मैंने बता देती हूँ, सारे बताऊ जी जी, सारे बता रही, बता दीजिए सारे बता रही हूँ, लेकिन आपका बीच बीच में आपका आवाज काट जा रहा है, इसलिए मेरे को क्लियरली साउंड नहीं आया, ना चंदन दा का ना पुनावाला जी का। तो ये जो पुनावाला जी का 3-4 सवाल उन्होंने पूछा है,
ये सारे सवाल जवाब देंगे वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये हम दल का स्पोक्स पर्सन है, स्टेट कमीशन का हम स्पोक्स पर्सन नहीं है। आज चुनाव खत्म होने के बाद पुनावाला जी, आप स्टेट इलेक्शन कमीशन जिनको आपके गवर्नर ने अपॉइंट किया है, आपके गवर्नर बीजेपी और आरएसएस के जो गवर्नर बंगाल में बैठ के जो काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए, उनसे पूछ लीजिएगा कि कितना लगाया गया है। सेंट्रल फोर्स देर से पहुंचे हैं, विषय में कोई शक नहीं है। आज अगर आप न्यूज देखें, हमारे जो रीजनल न्यूज, उसमें डनकनी स्टेशन में 5 घंटे बाद, चुनाव शुरू होने के 5 घंटे बाद सेंट्रल फोर्स ट्रेन से उतर के दौड़ रहे हैं। ये छवि सबको दिखाई दिया पूरा वेस्ट बंगाल में। आपको भी हम चैनल का नाम दे देंगे, आप देख लीजिएगा छवि। दूसरी बात आपको कह दूं कि ये जो बंदूक लेके घूम रहे हैं, हम सभी के खिलाफ है। वो कोई भी पार्टी, कोई भी गुंड, कोई पार्टी नहीं होते। और जो भी हो उसको, उसके खिलाफ जरूर एक्शन लिया जाएगा। जो हमारे पास रिपोर्ट पहुंचेगा चुनाव खत्म होने के बाद, आपकी पुलिस पुलिस कहाँ उसकी थी उनको कार्रवाई पकड़ने जरूर के लिए? करेंगे। स्टेट अभी एक्शन लिया जाएगा, मतलब है वो पोलिंग बूथ के देखेंगे। बाहर बंदूक लेकर कोई जा रहा है, आप बोल रही है एक्शन लिया जाएगा? हिंसा की घटना में जो भी तैनात पाया जाएगा वहां पर, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगा और अरेस्ट भी होगा। ये हम आपसे कह जा रहे हैं। इसके बाद भी हम जब डिबेट में ठीक आएंगे, है देख लीजिए जी। अब मुझे गंभीरता आपकी पता चल गई। अब एक सवाल पूछ लूं मैडम, अगर आपकी इजाजत हो तो। एक का मौत भी हम लोग सपोर्ट नहीं कर। मैडम आपकी इजाजत हो तो एक सवाल पूछ लूं आपसे, काउंटर कर लूं। एक भी मौत नहीं होना चाहिए, कोई भी क्षण हो। हाँ एक काउंटर कर लूं मैडम, अगर आपकी इजाजत हो तो पूछ लूं मैडम। जुई जी मैं सवाल ये पूछ रही थी आपसे, अभी आपने कहा सेंट्रल फोर्सेस का, आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, प्लीज आप रिपीट कीजिए, आवाज मैं नहीं आ। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, अभी आपने कहा सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट देरी से हुआ। चलिए मैंने मान लिया कि सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट देरी से हुआ, लेकिन आपको तो सेंट्रल फोर्सेस चाहिए भी नहीं थी। आप तो बकायदा कोर्ट में अपील कर आए थे कि हमारी पुलिस सक्षम है, हमारी पुलिस सब संभाल लेगी। आप कैसे अचानक से इतने डिपेंडेंट हो गए सेंट्रल फोर्सेस पर कि पूरी जिम्मेदारी अब उन्हीं की हो गई? नहीं नहीं प्राची जी, हमने बोला था कि हम, हमारे जितने पुलिस है सही है और ठीक है, लेकिन दूसरे राज्य से भी हम लोग, अगर जरूरत होगा तो हम पुलिस मंगाएंगे। हमने नहीं बोला था कि पुलिस काफी है वोट कराने के लिए। हम लोग बोले थे बिहार, बिहार से या जो जहाँ भी नॉन बीजेपी स्टेट हो, न्यूट्रली वोट हो, इसीलिए दूसरे राज्य से हम पुलिस मांगने के हम लोग बात किए थे। हम लोग ये नहीं थे कि जितना पुलिस है उससे वोट हो जाएगा। हमने बोला अगर पुलिस की कमी है तो दूसरे राज्य पे जहाँ पे बीजेपी कुल मिलाकर। अब देखिए चर्चा को अंत करने का वक्त आ गया। जुई जी एक बात का जवाब बस दे दीजिए, जो कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सारे हैं, जमींदारी सबकी है, विपक्षियों की भी है। और अगर हमारे तृणमूल कांग्रेस मतलब मिला हिंसा के घटना में तो हम भी उनके खिलाफ। तो क्या ये जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दल जो है मैडम, एक सेकंड, ये जो विपक्षी दल हैं क्या इनके हाथ में पुलिस है बंगाल में? ओहो मैडम सुन तो लीजिए, ये जो विपक्षी दल हैं, आपके स्टेट में क्या ऐसे होता है जुई जी, पश्चिम बंगाल में क्या ऐसे होता है कि बीजेपी कांग्रेस लेफ्ट इन सबके हाथ में पुलिस है? सरकार के पास कुछ नहीं है, मिलजुल कर सरकार चलती है क्या टीएम पश्चिम बंगाल में? जी आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मैंने कहा मिलजुल के सरकार चलाते हैं क्या पश्चिम बंगाल में, जो आप कह रहे हैं कि सबकी जिम्मेदारी है, पुलिस भी क्या कांग्रेस के हाथ में, बीजेपी के हाथ में? पुलिस गवर्नमेंट की, पुलिस एक स्वतंत्र है काम करने के लिए, और गवर्नमेंट उनको जरूर, उनको पुलिस मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जो है वो जरूर। मैडम थोड़ा सा अगर आप जिम्मेदारी ले लेते तो मुझे अच्छा लगता कि पश्चिम बंगाल की स्थिति शायद सुधर जाएगी। आप इतनी जिम्मेदार हैं मुझे ऐसा लगता मैडम, क्योंकि शो खत्म हो गया, आपने जिम्मेदारी नहीं ली, सिर्फ टोपी पहनाती रह गई। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।